नमस्कार, आप देख रहे हैं बरेली की आवाज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। सपा ने बरेली में फिल्म सिटी बनाने की मांग की। सपा कार्यकर्ताओं ने सिंगर और सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के सदस्य विशाल अग्रवाल के नेतृत्व में मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन दिया और मांग की बरेली में फिल्म सिटी बनाई जाए। ज्ञापन देने वालों में जमशेद अहमद, बिलाल खान, अमर यादव, अवनेश यादव आदि सपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल ने किया आईएमए के अध्यक्ष का सम्मान। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष राजेंद्र गुप्ता के नेतृत्व में नव निर्वाचित आईएमए अध्यक्ष डॉक्टर विमल भारद्वाज का स्वागत किया गया और कहा कि डॉक्टर विमल भारद्वाज के आईएमए का अध्यक्ष बनने में बरेली की चिकित्सा के क्षेत्र में एक नई पहचान मिलेगी और जनता को होगा इसका लाभ। बहेड़ी में 5 वर्षीय बच्चे की निर्मम हत्या। बहेड़ी थाना क्षेत्र में 5 वर्षीय बच्चे की निर्मम हत्या कर दी गई। गन्ने के खेत में मिला मासूम का शव। घटना से क्षेत्र में मचा हुआ है हड़कंप। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। फरीदपुर में युवक की हत्या कर शव जलाया, नहीं हो सकी शिनाख्त। फरीदपुर में हत्या कर युवक का शव ढकनी गांव के पास खेत में फेंक दिया। हत्यारों ने पहचान मिटाने के लिए युवक का शव को खेत में जला डाला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जले शव की शिनाख्त कराने की कोशिश की, लेकिन कोई नहीं पहचान सका। स्टाफ नर्स पर हुई कार्रवाई के बाद स्टाफ नर्स ने आशा को चप्पलों से पीटा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।